हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर टेक प्रोग्राम माइंड। आज की इस वीडियो में हम एड्रेस टैग के बारे में जानेंगे। एड्रेस टैग क्या होता है? द एड्रेस टैग इज यूज टू कंटेन अ कॉन्टेक्ट डिटेल्स फॉर द ऑथर ओनर ऑफ अ पेज और अ आर्टिकल ऑफ अ वेबसाइट। मतलब कि अगर आपका पेज है या आपकी कोई वेबसाइट है, आपने बनाया है और आप यूजर को बताना चाहते हैं कि ये मेरी वेबसाइट है और आपको उसको नाम लिखना है, तो आप इसी एड्रेस टैग की मदद से यूज कर सकते हैं। इसके प्रैक्टिकल लिखते हैं, सिंटेक्स लिखते हैं। सिंटेक्स क्या है? सिंटेक्स में करना, आपको एड्रेस टैग लिखना है, उसके अंदर जो भी आपको नाम वगैरह जो भी आप जो भी लिखना चाहें उसको लिख सकते हैं। जिससे जो डिटेल यूजर की ऑथर की जो भी आप अपना एड्रेस लिखना चाहते हैं या फिर अपना नाम लिखना चाहते हैं, वेबसाइट का नाम लिखना चाहते हैं, उस एड्रेस के अंदर लिखेंगे। उस लिखने के बाद आपको एड्रेस के क्लोज करना है। इसलिए प्रैक्टिकल करके देखते हैं। प्रैक्टिकल लिखने का देखने क्या आता है। देखिए, वही कोड है हमारा, इसे मैंने HR.html से सेव करा है। आप किसी भी नाम से सेव कर लीजिएगा, पहले वाली कोड ही डॉक टाइप HTML हेड टाइटल ये सब लिखा हुआ है। हम सिर्फ यहाँ पे क्या करने वाले हैं, एड्रेस टैग का यूज करने वाले हैं। तो यहाँ पे एड्रेस टैग लिखना है, AWD एड्रेस टैग लिखा। एड्रेस टैग लिखा और अब आपको अपनी वेबसाइट का नाम या अपना नाम लिखना है। जैसे कि मेरा यूट्यूब चैनल है टेक प्रोग्राम माइंड लिखना है यहाँ पे, ठीक है। मैंने ये लिखने के बाद आपको क्या करना है, एक नई लाइन क्रिएट कर लेते हैं इसमें यहाँ पे। आपको अपने क्या करना है, कॉन्टेक्ट ईमेल या फिर कुछ भी लिख सकते हैं। मैं अपना कॉन्टेक्ट ईमेल लिख दूंगा, सही, कॉन्टेक्ट एट द रेट टेक प्रोग्राम प्रोग्राम माइंड लिखने के बाद इसको यहाँ कर देते हैं एट द रेट। ये आपको, आप इसको ईमेल कर सकते हैं या फिर आपको अपनी वेबसाइट वगैरह या फिर आपको कुछ भी यहाँ पे एक लाइन क्रिएट करते हैं। जैसे कि यहाँ पे इसको लिखते हैं यहाँ पर टैग प्रोग्राम माइंड डॉट कॉम। आप सिंपली यहाँ पे ये भी लिख सकते हैं, आप www लगा देते हैं www.tagprogramminds। आप इसको इस तरह भी लिख सकते हैं। देखिए, आप इसको सेव करते हैं, सेव करने के बाद इसको रंग देने की क्या असर पड़ेगा इस पर। वैसे एड्रेस से क्लोज करना तो रह गया, इसको हम एड्रेस ट्रैक क्लोज भी तो करते हैं पहले यहाँ पे AWDRES, इसको क्लोज करा। अब सेव करते हैं, अब रन करते हैं इसको। देखिए, इसको रन करा क्रोम में। अब देखिए, इसको थोड़ा छोटा कर लेता हूँ, थोड़ा बड़ा हो रहा है, छोटा करा इसको। देखिए यहाँ पे ये मैंने टेक प्रोग्राम माइंड लिखा था। देखिए, ये पार्ट्स ये वाला टेक प्रोग्राम माइंड लिखा था। देखिए, ऑथर की डिटेल आ गई, नाम टेक प्रोग्राम माइंड, कॉन्टेक्ट लिखा था और ये वेबसाइट का नाम आ गया। मतलब आप इसमें ऑथर के बारे में लिख सकते हैं, आपका कोई नाम है, आपकी कॉन्टेक्ट ईमेल आईडी, ये सब सब इसीलिए यूज किया जाता है ऑथर के लिए। आई होप कि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, बहुत ही ईजी है। कुछ भी इसमें उस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एंड गुड बाय।